सो फूडीज वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो ये अंबाला के चटोरा ने आपके लिए ढूंढी है एक बढ़िया सी मस्त चीज। तो हमें मिला पंजाबी कुलचा नाम का ये कार्ट, जहाँ जी मिलते हैं अलग अलग तरह के कुलचे। छोले वाले कुलचे हम सभी ने खाए हैं, पर यहाँ कुछ अलग ही कंसेप्ट के कुलचे मिलते हैं। तो ये है जी पंकज भाई, जो इस कार्ट के ओनर हैं, और इन्हीं का वो आइडिया है जहाँ पर मिलते हैं पिज्ज़ा कुलचा, पास्ता कुलचा, नूडल्स कुलचा। तो अभी बनने जा रही है जी हमारी पास्ता और पिज्ज़ा कुलचा की फीलिंग, जो बेस फीलिंग होती है। तो सबसे पहले डाला यहाँ पर बटर, प्याज, कैप्सिकम, तो जी अब भैया ने डाल दिया यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स। और जी फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह रोस्ट किया जाएगा, या हम कह सकते हैं सोटे किया जाएगा। तो जी वेजेस तो सोटे हो चुकी है, और इसमें से हाफ ऑफ पोर्शन कर दिया है, हाफ पास्ता में यूज होगा और हाफ पिज्जा कुलचा में यूज होगा। तो जी अब डाल दिया है भैया ने इसमें पास्ता। अब इसमें सॉसेज आ गई हैं, मेयोनीज आ गई है, और ये जी तंदूरी सॉस, और इसको अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। मतलब एक तरह से पास्ता ही बनाया जा रहा है, और ओरिगैनो सीजनिंग्स जो भी होती है हमारी पास्ता में वो डाली जा रही हैं। तो भी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको कुलचे के साथ साथ आपको पास्ता भी खाने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको दोनों चीज़ों का टेस्ट लेना है तो आप ये आकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा है टेस्ट। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ओनली 40 रुपीज़ का है। और यहाँ पर ये आ गया है जी, चीज़ डाल दिया है भैया ने, और ये देखिए क्या बढ़िया शानदार लुक आ रही है पास्ता की। तो जी पास्ता तो बनके रेडी हो गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसे जो हमारा कुलचा होता है ना स्टफ़, जिसमें हम छोले फिल करके खाते हैं, उसके अंदर इसे स्टफ़ किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर स्टफ़ करके भैया इसको सेक रहे हैं। और अगर आपको भी ये खाना है ना, तो आपको आना पड़ेगा विजय रतन चौक अंबाला कैंट में, बिल्कुल सामने ही आपको एक कार्ट नज़र आ जाएगी। तो आप आकर कभी भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो जी देखिए हमारा पास्ता कुलचा तो रेडी हो चुका है, और देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और स्टफिंग में भी कोई कंजूसी नहीं। आप देख सकते हैं स्टफिंग भी पास्ता की अंदर भर भर कर डाली हुई है, सिर्फ 40 रुपये में है। तो जी उसके बाद बनने जा रहा है अभी हमारा पिज़्ज़ा कुलचा। तो इसमें क्या होता है ना, आपको प्लेन वाला कुलचा होता है जो हम नॉर्मल मटर कुलचा या छोले कुलचे के साथ हम खाते हैं, तो जो हमारे मटर होते हैं ना उनको कुलचे के ऊपर ऐसे लगाया जाता है, और जो बाकी बची हुई स्टफिंग थी उसके ऊपर भैया ने यहाँ पर उल्टा कर दिया ऐसे। तो जैसे एक तरह से टॉपिंग्स होती हैं, तो वैसे टॉपिंग्स लगा दिए कुलचे के ऊपर, और साथ में मटर भी हैं इसमें। तो अब इसे रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो जी रोस्ट तो हो चुका है, और एक्स्ट्रा वेजेस जो बची हुई हैं वो भी भैया इस पर डाल रहे हैं। तो इस पर भी सेम जो हमारे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं, सीजनिंग्स होती हैं, वो सभी आएंगी। तो बटर डाल दिया भैया ने फिर से यहाँ, बिना बटर के तो कुलचे की कोई बात ही नहीं है। तो अभी इसके ऊपर डाला है भैया ने मेयोनीज, तो इस पर भी आएगी जी तंदूरी सॉस। और जी अच्छी तरह स्प्रेड कर दिए, जैसा हम पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करते हैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, तो वह उसी तरह भैया ने इस कुलचे के ऊपर स्प्रेड कर दिया, ताकि हर बाइट में आपको बढ़िया सा सॉस का फ्लेवर आए। और आ गया जी ओरिगैनो चीज़, बिल्कुल एकदम पिज़्ज़ा वाली फील आनी तो चाहिए, बाकी टेस्ट करके बताएंगे हम कि कैसा है टेस्ट। और ये धनिया भी आ गया है। तो जी इसे भी कट किया जाएगा पिज़्ज़ा की तरह, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा, तो जी प्लेट में लगने ही वाला है। तो ये देखिए जी हमारा पिज़्ज़ा कुलचा रेडी हो चुका है, ये भी 40 रुपीज़ का रहेगा आपका, और देखने में तो एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। बाकी फ्लेवर किस चीज़ का आता है, मटर कुलचे का आता है या पिज़्ज़ा का ही टेस्ट आता है, वो हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से टेस्ट करते हैं।
जी बात करें टेस्ट की तो पास्ता कुलचा की बात करते हैं। पास्ता कुलचा आपको एक तरह से बर्गर की तरह लगेगा, तो उसमें फ्लेवर्स तो हैं, पर बात करें जो पिज़्ज़ा कुलचा की, पिज़्ज़ा कुलचा में मतलब समझ नहीं आया एक बाइट खाई दो बाइट खाई कि मटर कुलचे का टेस्ट आना चाहिए या पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा। पर अगर आपने भी यहाँ पर ट्राई किया या आकर ट्राई करना चाहते हो और खाकर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, पिज़्ज़ा कुलचा बढ़िया लगा, पास्ता कुलचा बढ़िया लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।